एग्जैक्टली मुझे उसकी तो बात बताइए, वो किस तरह से कि वाकई शूटिंग हो रही थी। ये इसकी बेसिक हिस्ट्री है ना, ये फिल्म का एक शॉर्ट सीन है जिसमें सुल्तान ऐसा ना ट्रैवल करके कसूर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इसको मेकिंग को देखते हैं, वो कहते हैं ये अरे जूती बहुत प्यारी है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेनी है। अच्छा। उस जमाने में यानी कि वो अंजुमन साहब उनकी हिरवन होती हैं। अच्छा। वो हमारे कसूर से ये जूता परचेज करके लेके जाते हैं। और उस आई जस्ट सॉ दिस शॉप, कुसुम की शॉप, यहाँ पे आना जरूरी इसलिए था क्योंकि कसूर बेसिकली अपने कुसुम की वजह से भी फेमस है। सो अभी इस शॉप के जो ओनर है हमारे साथ मौजूद है। एक तो कसूर जो है वो यहाँ पे फेमस क्यों है केले के खुस्सों के हवाले से, वो भी इनसे पूछेंगे, और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम सर। सर आपका नाम काइंडली बताइएगा। जी मोहम्मद रियाज। अच्छा जी मोहम्मद रियाज साहब, सबसे पहले तो सर खुस्सों के हवाले से कसूर फेमस है, क्या वजह है यहाँ के फेमस होने की? इसकी जो बेसिकली एज है ना ओवरऑल खुस्से की, ये 100 साल से भी पुरानी है। अच्छा कसूर के खुस्सों की। जी जी ये बेसिकली ना हमारी पार्टीशन से पहले ये जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान में जो खुस्सा ये पंजाब के लिहाज से ना खुस्सों के एक बेस, इसकी जो ना उसको खास फोके दी जाती है। अंकल जी फिर मुझे कुछ दिखा दें। जी जी मैं ये तो क्यूरियस हो रही हूं। नहीं नहीं ये आप देख सकती हैं जैसे ये। अच्छा। हमारा ये हिस्ट्री के लिहाज से इसकी जो इसमें कैजुअल भी यूज हो सकता है, ये फंक्शन में पहना जाता है। इसमें बेसिकली ये चीजें होती है हमारी जो पहनने के लिए ना, वैसे ये मल्टी वगैरह। अच्छा। ये भी खुस्से के लिहाज से बहुत रिजनेबल प्राइस है। अच्छा। और इसकी एक आपको और हिस्ट्री के लिहाज से ये जो इसकी एज है इस जूते की तकरीबन 60 साल पुरानी एज है। 60 साल पुरानी। जी, अच्छा जी इसका स्पेसिफिकली मैं आपको आर्टिकल दिखा भी देती हूं, मैं भी शॉपकीपर बन जाती हूं। हैंडमेड होता है, दिस इज अमेजिंग। और ये इसमें नेचुरल लेदर इस्तेमाल किया जाता है खालिस्तान। ये बहुत खूबसूरत है। इसकी भी हिस्ट्री तकरीबन 60 साल से पुरानी है। इसकी भी हिस्ट्री 60। जी ये सो ब्यूटीफुल, मतलब ज्वाइन के बगैर बना हुआ है, इसकी ज्वाइनिंग नहीं है, ये ओवरऑल सारा लेदर है। और इसकी जो सबसे इसकी सॉफ्टनेस है, ठीक है, ये खराब नहीं होता। और इसे मेल भी पहन सकते हैं, फीमेल भी पहन सकते हैं। अरे वाह, यूनिसेक्स है, मतलब कोई भी पहन सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज इन खुस्सों की लगी है, ये इससे सो सिंपल एंड एलिगेंट। ये इससे भी पुरानी हिस्ट्री है, ये जो हमारी पाकिस्तान की जो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री है ना, कसूरी जूती। अच्छा। अम्मा नूरजहां मरहूमा साहिबा ये उन्होंने इसके ऊपर गाना ये देख ले गाना लिखा गया था। और ये एग्जैक्टली मुझे उसकी तो बात बताइए, ये किस तरह से कि वाकई शूटिंग हो रही थी। ये इसकी बेसिक हिस्ट्री है ना, ये फिल्म का एक शॉर्ट सीन है जिसमें सुल्तान ऐसा ना ट्रैवल करके कसूर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इसको मेकिंग को देखते हैं, वो कहते हैं ये अरे जूती बहुत प्यारी है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेनी है। अच्छा। उस जमाने में यानी कि वो अंजुमन साहब उनकी हिरवन होती हैं। अच्छा। वो हमारे कसूर से ये जूता परचेज करके लेके जाते हैं, और उस पर फिर ये जूती कसूरी दे प्यारी ना पूरी। अच्छा। टूरना पाया। अरे लेकिन आप टूर सकती हैं। अच्छा, आप इतनी स्मार्ट है, वो उस वक्त हिरवन जरा ग्रोथ में थी। अक्सर जो खुस्सों का मसला ही होता है कि वो काटते हैं, तो ये काटने वाला तो मसला नहीं है ना, काटने वाला नहीं। यहाँ के खुस्सों की खास बात ये है कि खुस्से काटते नहीं है, मतलब कि आपको चुभ नहीं रहे होते, सो ये बेस्ट चीज होती है। खुस्सा खरीदते वक्त ये वो पहली चीज़ होती है जो लड़कियां नोट करी होती हैं। सो अभी मैं खुस्सा ट्राई करूंगी, और कोई पसंद आया तो आई वुड बाय दैट एज वेल, और उसके बाद फिर आई विल टेक यू आगे।